ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी, नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ, हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पाँव जब बिन घुंघरू के तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर, बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से, ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की, कहती सबसे एक ही बात, आवो आवो सा पधारो सा, घने मान स्वागत, आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घने मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। इस सृष्टि के आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि कहे जाते हैं। रामायण के रचयिता तो हैं ही, लेकिन जब क्रोच पक्षी के जोड़े को, उस जोड़े में से नर को जब उन्होंने तीर से घायल होकर मरते हुए देखा, किसी शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से जब वो तड़फ कर धरती पर गिरा, और उस समय मादा क्रोच उस जोड़े में से विरह के मारे, तड़फ के मारे जब उसके ऊपर जा गिरी, अपने नर के ऊपर जा गिरी, वो जो तड़फ का दृश्य था, वो दृश्य वाल्मीकि को भीतर से कुरेद गया, चीर गया, और वहीं पर उन्होंने इस सृष्टि की पहली काव्य अभिव्यक्ति की। ये सृष्टि की पहली काव्य अभिव्यक्ति तो थी, लेकिन हम पुरुषों ने, हम इंसानों ने धरती के दर्द को कितना समझा है, या केवल हम इंसानों के दर्द को कितना समझा है, प्राणियों के दर्द को कितना समझा है, लेकिन उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस तड़फ को कवियों ने अपनी कला से जब पिरोया है, बुना है, कला के भीतर बुना है, तब जाकर कोई रचना होती है, कोई कविता होती है, या कोई और विधा में कला की बुनावट होती है। आज हमारे साथ राइजिंग सिटी प्रोग्राम में एक ऐसे ही राइजिंग स्टार लेखक हैं, जिन्होंने इंसान को, इंसानियत के दर्द को, संवेदना को भीतर से समझा है, कुरेदा है, और अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, अपने लेखों में टटोला है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही राइजिंग स्टार लेखक हैं, दशरथ जी सोलंकी। वैसे तो वो वित्त नियंत्रक हैं, लेकिन साथ ही वो लेखन के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। आज हमारे स्टूडियो में दशरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सिंगल साहब। आप सब दर्शकों का भी अभिवादन, और गर्व से भरा हूँ मैं कि मैं आपके सामने यहाँ पर सिंगल साहब। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और दशरथ नाम का पहले तो हम जानना चाहेंगे वैसे काफी बहुत ही पौराणिक दृष्टि से भी लोकप्रिय। जी जी बिल्कुल। पिताजी ने, जैसा कि हमारे घर के संस्कार थे जी, हमारे घर में ज्यादातर नाम पौराणिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। माताजी का नाम राधा देवी, तो वो कला के प्रति एक जो रुचि है, वो रुचि आप ये देखिए कि पिताजी ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, वो तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, पढ़ाई लेकिन उनका ज्ञान और उनके हृदय की गहनता इतनी विस्तृत है कि उन्होंने इस प्रकार के नाम को, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चुना होगा। और दस रथ का जो अर्थ, अगर मैं आपको बताऊं तो पांच कर्मेंद्रिय और पांच जो अपने इंद्रियां होती है जी, इनको अपने वश में करके और उन सबको अश्व बना करके उनकी सवारी। वाह क्या बात है। अपने आप के ऊपर आत्मनियंत्रण के साथ जो व्यक्ति, संवेदनशीलता के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही दशरथ है। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि दशरथ एक बहुत रेस्पॉन्सिबल नाम भी है, यानी अपने जिम्मेदारियों को उठाकर चलने। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित तौर पर मैं भी
मुझे जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर भेजने से पहले कुछ जिम्मेदारियां मेरे लिए तैयार की होगी। कविता की तरफ आपका रुझान किस उम्र में हुआ, और अगर हम चाहेंगे कि आपने कौन सी पहली कविता लिखी? जी, मैं या कुछ और लेखन? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कुछ चीजें अवचेतन में शुरू से संस्कारों के तौर पर आपके मन मस्तिष्क में घर कर रही होती है। जी, मैं जब पिताजी की बात कर रहा था तो चौथी पांचवी में जब मैं पढ़ता था तो हमारे घर में छोटी छोटी ऐसी जैसे ज्ञानमाला किताब थी। वाह। तो इस प्रकार की किताबें जब मैंने पढ़ी जो पाठ्येतर थी, हिंदी की जो कविताएं पढ़ते थे वो अलग थी, पर इस प्रकार की किताबें जब पढ़ते थे तो कुछ कल्पनाशीलता मन में आती। पिताश्री प्रोवाइड कराते थे जी, यानी वो खुद इसको बिल्कुल प्रति रुझान, बिल्कुल उनका रुझान था। और फिर वो अवचेतन में चीजें रही और जो जो फिर मैं अपने पढ़ाई में आगे बढ़ता गया जी। और पहली कविता की जहां तक बात है तो मैं 11वीं 12वीं में जब पढ़ता था तो मैंने पहली कविता लिखी थी, उस समय तुकबंदियां हुआ करती थी। कोई बात नहीं, पर वो पहला कदम होता ही। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जालोर का जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उसके स्थानीय समाचार पत्र में छपी भी। अच्छा, कि वो और हौसला बढ़ाती है। बिल्कुल, ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कविताओं का जो लिखने का क्रम होता है, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति प्रेम लिखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो संवेदनशीलता की तरफ, सृष्टि की तरफ, प्रकृति की तरफ, और अंततः आपको अध्यात्म से कुछ पंक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे दिल के कागज पर वाह, मेरी नजरों के प्रेम के अक्षर वाह, शायद तुम समझ तो गई होगी। क्या बात है, क्या वे बात अक्षर जो लिए गए थे स्वप्न लोक के शब्द कोश से, वाह भावना की वह लुप्त स्याही शायद तुम्हें दिख तो गई होगी। इतना बढ़िया उपमान 11वीं का एक जी, बच्चा जी, अगर लिखता है तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रारंभिक शब्द थे जो बाद में विलसित होते गए, विकसित होते गए और प्रस्फुटित होते गए, और आज जिसकी सौरभ, जिसका रेखांकन भी पूरा है। आप जो कविता है उसमें इतनी गहराई से कब उतरे, और संवेदनाओं के इतने गहरे जो कविता का है, क्योंकि आपकी जो रचना संसार उसमें गहराई बहुत दिखाई देती है। जी, गहराई भावों से आती है जी, और भावों का उद्भव यूं तो अनायास होता है, इसमें कोई आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। हाँ। लेकिन कुछ परिवेश का, वातावरण का असर जरूर पड़ता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जालोर से पदोन्नति के बाद 2016 में जोधपुर आया। जोधपुर में आया तो मेरे मन मस्तिष्क में चूंकि इस प्रकार की चीजें तो थी कि मैं वहां पे साहित्य समाज बड़ा है, इनसे मिलूंगा, उनसे मिलूंगा, तो यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग मुझे मिले, बड़े बड़े कविवर मिले, लेखक मिले, और उनके पास बैठ करके, उनके स्नेहिल छाव में बैठ करके मैंने उन भावों को उद्भूत किया कि डॉक्टर सत्यनारायण के पास जब बैठते हैं तो उनकी अनुभूतियां क्या है और उनके अनुभूतियों के स्तर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। मीटेश जी या आयदान सिंह जी के पास बैठ करके मैंने ये महसूस किया कि वो किस भाव भूमि पे उतर करके लिखते हैं। एक तरह से सत्संग हो गया जी, सत्संग के माध्यम से। और फिर मेरा प्रकृति की तरफ बहुत रुझान हुआ। और लेकिन इससे पहले जी एक बात का मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बिल्कुल एक अलग प्रोफेशन में है, और वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि पूरा धन दौलत का संसार है, फाइनेंस, और उस बीच में लेखक बनना या कविता की तरफ रुझान, एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। ये प्रश्न हर एक के दिमाग में आता है, हर एक के दिमाग में आता है, और इसका बड़ा ही एक प्रासंगिक और रिलेवेंट मेरे पास जवाब है जो हृदय से उद्भूत होता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, वाह, विज्ञान में स्नातक हूँ, बीएससी हूँ, उसके बाद बीएड किया, टीचर रहा, अरे विभिन्न, उसके बाद कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर रहा, इतने सारे सब्जेक्ट, एसीटीओ रहा, कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर रहा, फिर मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में आया। मैं विज्ञान का विद्यार्थी और लेखा सेवा का अधिकारी, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल तीसरा त्रिकोण बन गया, साहित्य, विज्ञान और लेखा सेवा। लेकिन फिर मैं जब देखता हूँ कि तमाम तरह की पत्रावलियों को देखने के बाद दिन भर जब मैं आंकड़ों से और इन सब से, इस व्यवस्था से कुछ मुझे लगता है कि इससे ऊपर की भी कोई व्यवस्था है, भाव की व्यवस्था है,
उन तनावों को रिलीज करने के लिए, उन तनावों को दूर करने के लिए 5-6 बजे जब मेरा ऑफिस का काम समाप्त होता है तब मैं शब्द की तरफ मुड़ता हूँ, तब मैं भाव की तरफ मुड़ता हूँ, और जब मैं कुछ लिखता हूँ या कुछ पढ़ लेता हूँ तो मेरे पूरे दिन का किसी भी प्रकार का अगर कोई तनाव आया है काम का, आजकल बहुत सारे ऐसे दृश्य आम हो गए हैं, तो ये मेरा एक तरीका भी है कि मैं उन चीज़ों से ऊपर उठूँ कि भगवान ने जिस काम के लिए, एक बात मैं हर जगह उद्धृत करता हूँ कि ये लेखा सेवाएं IAS ये भगवान की व्यवस्थाएं नहीं है, भगवान की व्यवस्था है प्रेम, भगवान की व्यवस्था है भाव, भगवान की व्यवस्था है प्रकृति, सहजता, और उस भगवान की व्यवस्था से सीधे जुड़ते हुए। लेकिन इतना गहरा आप जी, जैसे कि पुस्तक का उन्वान हम देख रहे हैं कि आदमी का मरे नहीं पानी जी, ये तो ऐसा है कि जैसे आपने इस सागर के तल में बहुत गहरे उतर के ये लिखा है जी। केवल ये नहीं है कि 10 से 5 के बाद आप अपना एक हॉबी या पैशन को पूरा करते हैं, ये इसमें तो आप बहुत गहरे उतरे हैं, और ये सब परिस्थितियां आपके दिमाग में, ये कैनवास कैसे बना? ये आज के आदमी का मरे नहीं पानी, ये मेरा दूसरा संग्रह है, काव्य संग्रह। उससे पहले अनुभूति मेरा काव्य संग्रह प्रथम था। दोनों ही उन्वान ऐसे लगते हैं। अनुभूतियों का जो सृष्टि या सृजन मेरे मन मस्तिष्क में इस सृष्टि को देख करके, प्रकृति को देख करके, आहत हो रही मानवता को देख करके, उन सबको देख करके जिन भावों को मैं महसूस करता हूँ, उस भाव को मैं कविता के रूप में सामने ले आता हूँ, और तभी कि आदमी का मरे नहीं पानी एक संदेश के रूप में इस सृष्टि के सामने आता है। तो चलिए पहले आपकी और हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से लेखक है अविनाश जी जोशी। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और दशरथ जी जैसे विद्वान हमारे सामने हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? दशरथ कुमार सोलंकी एक मर्यादित नाम, एक मर्यादा का पर्याय व्यक्तित्व। रामायण में दशरथ का चरित्र एक बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र है। दशरथ सोलंकी साहब से जब मिलते हैं तो कुछ वैसा ही एहसास होता है, अपनी ज़िंदगी को इस नाम पे चरितार्थ करता है। एक व्यक्तित्व का नाम है दशरथ कुमार सोलंकी। लेखांकन, लेखा, अंकों की दुनिया से निकल के अगर शब्दों में कोई व्यक्ति आता है तो अपने आप में एक बहुत बेमिसाल या अलौकिक कार्य होता है। अंकों की दुनिया या लेखांकन की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, लेकिन ज़िंदगी को करीब से देखना, व्यवहार को करीब से देखना, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। साहित्य की सेवा करना किसी आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है। दशरथ जी का ये कार्य समाज के अंदर एक अलग मिसाल छोड़ता है। जालौर के सुदूर गांवों से निकला हुआ ये एक प्रशासनिक अधिकारी जब अपनी ज़िंदगी को करीब से देखता हुआ बड़े बड़े शहरों में प्रशासनिक सेवा के जो झंडा है उसको ऊपर उठाता है तो लगता है मानवीय संवेदना एवं भावों को पढ़ने का हुनर इनमें बहुत करीब से देखा है इन्होंने, और इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। डॉक्टर राम प्रसाद दादीच पुरस्कार से सम्मानित दशरथ सोलंकी अपने आप में एक पुरस्कार एवं तमगों से बहुत ऊपर का नाम है। जैसा कि इनकी पुस्तक उजास के अर्थ से हम यही समझ सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व उजास से बहुत परे है। ये स्वयं समाज को उजासित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उजास देते हैं, उजाला देते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं, इस जज्बे को सलाम करते हैं, और दशरथ सोलंकी साहब को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला वक्त केवल और केवल दशरथ सोलंकी साहब जैसे लोगों का है। मैं दिल की गहराइयों से उनका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए ये आशा करता हूँ कि वक्त पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखें, अच्छा अच्छा साहित्य का सृजन करें, और हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए कुछ सब्जेक्ट देते रहें। थैंक यू सर। दशरथ जी, दुर्गा सप्तशती में एक बात आती है, और बात का एक बहुत ही गहरा संदेश है जी। कि जो जो आदमी के भीतर इच्छा जब जागृत होती है जी, तो प्रकृति स्वयं उस इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य शुरू कर देती जी। जो कि बहुत बाद में एक बहुत ही फिल्मी डायलॉग ज़्यादा लोकप्रिय हुआ जी। लेकिन ये बात तो हजारों साल पहले हमारी पौराणिक व्यवस्था में थी कि वो जो इच्छा होती है और
उसी दिशा में कार्य शुरू कर देता है। तो आपने जो कार्य किया है, आपको लगता है कि ये वही अनुभूति का संचार? जी जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि जब मैंने 10वीं 11वीं तक जो मैंने कविता लिखी, 12वीं में लिखी, वो आपके सामने रखी, उसके बाद कविताओं का फलक विस्तृत हुआ, तो इसके पीछे कई सारी प्रेरणाएं जी। और प्रेरणाओं के लिए मैं कहीं कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देखता। मैं मेरे घर के आगे मैंने सप्तपर्णी के पेड़ को लगाया, उस पेड़ को जब मैं बढ़ते हुए देखता हूँ, आज मेरे से ऊपर कद में चला गया है, 3 साल पहले मकान लिया था, उसके सामने वो पेड़ है, उस पेड़ को मैं कविता की तरह उगते हुए देखता हूँ। यानी आप घर के आसपास भी प्रकृति जी, मैं मेरी धर्म पत्नी जी को घर की साफ सफाई करते देखता हूँ, तो वहां से प्रेरणा प्राप्त। क्या बात है, बचपन में मैंने माँ को पूजा करते हुए, जब माँ कहती थी, मैं एक वित्त शास्त्री को इतना भावुक पहली बार देख रहा हूँ, धन्यवाद सर। माँ पूजा के समय कहती थी कि पूरे मुल्क का भला करके फिर मेरा भी भला करना है प्रभु, वसुधैव कुटुंबकम की इससे बड़ा भाव क्या हो सकता है। क्या मैं वहां से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। माँ सुबह सुबह चूल्हा जलाने से पहले कहती थी, कीड़ी मकोड़ी देजे माग आवे आग, अहिंसा परमो धर्म का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। माँ पे भी बहुत, माँ पे मैंने खूब सृजन किया है, बहन पे, बेटी पे, महिलाओं पर भी मेरा सृजन उतना ही है जितना अनुभूति में। आपका जो रचना संसार है, कितनी कविताएं संकलन में है? अनुभूति में 60 के करीब रचनाएं हैं, और ये वो रचनाएं हैं जो मैं, तो मिला जुला सब्जेक्ट है ये, मिला जुला सब्जेक्ट है। और मुख्यतः मेरे तीनों संग्रहों में जो चार स्तंभ में, जैसे लोकतंत्र के चार स्तंभ है, मेरी जो कविताएं हैं उनके चार स्तंभ। थैंक यू जी जी। उसमें प्रेम, प्रकृति जी, मानवीय मूल्य और मानवीय संबंधों की सदाशयता, ये चार मूल स्तंभ है जिनके ऊपर मेरा काव्य संसार सजित हुआ है। आपका जो काव्य संसार है, वो जो मुक्त छंद है या मुक्त कविता है, आपका जो ट्रैक है वो क्या है? मुक्त छंद कविता है पहला। अनुभूति नाम का जो काव्य संग्रह था, उसमें मैंने गजल नुमा कविताएं लिखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहर के उसमें माप में मैं कुछ बंधा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ, तो मैंने दूसरा संग्रह जो कि चाहेंगे कि उसमें से कोई एक कविता आप जरूर सुनाएं। धन्यवाद। ये मेरा दूसरा काव्य संग्रह कि आदमी का मरे नहीं पानी है। जी जी। और मैं जैसे माँ की बात कर रहा था, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे माँ को याद भी करना चाहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत है। काश नाम की कविता है मेरी जी। बिल्कुल परंपरा की छोटी सी चीज से मैं बात को उठाता हूँ और कविता में किस तरीके से ढालता हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। बचपन में जब खो जाती थी कोई चीज या भूल जाते थे रख कर, नहीं मिलती थी भरसक कोशिशों के बाद भी, तब माँ अपने पल्लू में गांठ लगाकर बांध देती थी चोर को, फिर तो मिनटों में मिल जाती थी खोई हुई वह चीज। अब तो कितना कुछ खो गया लगता है, चैन, सुकून, नींद, सपने, अपने और भी बहुत कुछ। काश माँ अब भी होती तो लगा देती गांठ, बांध देती चोर को, चंद मिनटों में मिल जाते खोए हुए ये सब कुछ। उजास के अर्थ जो आपका संकलन है, और चलिए आदमी का मरे नहीं पानी और अनुभूति का, तो आपने संवेदनाओं को, उजास का अर्थ अगर खाली भौतिक रूप से देखें, क्योंकि आप भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, मैं भी रहा हूं जी, तो वैसे तो रोशनी होता ही है, उसका अर्थ प्रकाश होता ही है, लेकिन आपका जो उन्वान है उसको देख के लग रहा है आपने कुछ और मायने में उजास को देखा है। उजास के कई सारे अर्थों को मैंने इसमें छूने की कोशिश की है, और मैं इसकी भूमिका में लिखता भी हूँ कि अगर सूरज का उगना ही उजास का अर्थ होता तो इस पृथ्वी पे इतनी विकृतियां क्यों हैं। वाह। मैंने कहा केवल सूरज का उगना और प्रकाश का आना ही उजास का अर्थ नहीं है। उजास का अर्थ है किसी के हृदय को अपनी संवेदना से छू लेना। इस सृष्टि में व्यक्ति किन उद्देश्यों को लेकर के आया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश के निमित्त जुट जाना और अपनी संवेदनाओं को और भाव भूमि को इस सृष्टि के और प्रकृति के साथ संवेद करते हुए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो वो उजास मिलता नहीं है। व्यक्ति ऐसा लगता है कि पहले एक संयुक्त परिवार होता था, अब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक सीमित हो गया है, और धीरे धीरे ये और सिमटता जा रहा है, और वो जो एक प्रेम और मित्रता और वो सारा वो चीज़ खाली दिखावा रह गया है।
तो हालांकि आप जैसे लोग कविता और इसके माध्यम से पूरा लोगों को बांधने की कोशिश करते हैं, फर्क भी पड़ता है, पर क्या कारण है ये? इतना भौतिकता है, क्या है अंधी दौड़? निश्चित तौर पे भौतिकता का असर तो है ही, और भौतिकता जनित जो अन्य चीजें हैं जी, जिससे व्यक्ति शब्द से दूर होता गया, भाव से दूर होता गया जी। हम एकल परिवार में भी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति भाव और शब्द के नजदीक नहीं जाएगा, उसके निकट नहीं जाएगा, तब तक इन चीजों को संस्पर्श नहीं कर पाएगा। मेरी ये बड़ी दुविधा मुझे महसूस होती है जब साहित्य के कार्यक्रम होते हैं और लाखों के इस नगर के, जहाँ की जनसंख्या लाखों में है, वहाँ 50 व्यक्ति मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। मैंने जोधपुर के साहित्य समाज के सामने एक बार बड़ी निराशा के साथ कहा कि क्या हम शब्द और भाव को 500 लोगों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हम इस बात को उपलब्धि मान बैठते हैं कि हमारे 100 लोग कार्यक्रम में आ गए। तो जब तक ये भाव स्तर पर लोग सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये विकृतियां बनी रहेगी। और कवि की, लेखक की ये कोशिश रहती है या होनी चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल कविता लिखते हैं। मैं सिंगल साहब आपको इस मंच पे, आप सबको, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं काव्य को जीने की कोशिश करता हूं। क्या बात है। मैं केवल लिखता भी नहीं, मेरी कोशिश होती है कि काव्य को जिया जाए। तो आपका जो जी रहे हैं आप काव्य को, तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमने कॉल किया है शैलेंद्र डड्डा साहब, जो बहुत अच्छे कवि, लेखक और चिंतक भी हैं। डड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सर क्या कहना चाहेंगे? दशरथ जी हमारे साथ। दशरथ जी सोलंकी को राइजिंग स्टार ऑफ सन सिटी के लिए बधाई। दशरथ जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और उसको सकारात्मक रूप में ग्रहण भी करता हूँ। आपकी कविताएं मुक्त छंद कविताएं हैं, और उन कविताओं में कई तरह की चिंताएं हमें देखने को मिलती है, जो कवि को समकालीन परिवेश से जोड़ती है। कवि का आकुल हृदय चारों तरफ फैली हुई जो अव्यवस्था है, जो पर्यावरण की हानि हो रही है, और तमाम ऐसी चीजों को प्रकट करती है। आपका भाषा सौष्ठव प्रशंसनीय है, और आप अपने विचारों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ हैं। एक अच्छे मनुष्य होने के साथ ही आप एक अच्छे कवि भी हैं। ये जोधपुर के लिए और राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। मैं इनसे हार्दिक प्रेम करता हूँ, और इसलिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये निश्चित ही साहित्य की सुंदर सेवा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने जन्म स्थान का नाम भी रोशन करेंगे। मैं इनको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। दशरथ जी, आपने ये जो प्रश्न उठाया कि संख्या का जी, और उसके बावजूद इस बात को मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ आपका, कि जो 100 लोग भी होते हैं या 50 लोग भी होते हैं, वो मानसिक रूप से पूरा उस कार्यक्रम में काया में नहीं उतरते, नहीं होते बिल्कुल। और ये मैंने कई नाट्य कलाकारों से भी पूछा है अपने प्रोग्राम में जी, कि नाटक भी जब देखने आते हैं तो लोग बाहर ज़्यादा बैठे रहते हैं, या जो अंदर जाते हैं वो क्रिटिकल अंदाज में जाते हैं, यानी मैं इसमें से क्या इनकी आलोचना कर सकता हूं। जी, जी। तो ये जो चीज है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, यानी लेखक लोग? प्रयास सिंगल साहब यही है कि जो भी 100 लोग वहां पे आ रहे हैं जी, अब उनमें से अगर 50 भी मन से वहां पर उपस्थित है, तन से तो उपस्थित 100 है, मन से अगर 50 भी है या 20 भी है, 20 लोग समाज में जाकर के इस प्रकार की चीजों को
स्फुरण करे, उनकी सुगंध को फैलाए। कई बार रसुकात से भी आ जाते हैं जी, चलिए दशरथ जी है तो चल जी जी बिल्कुल बिल्कुल आलोचना के लिए लोग आते हैं, रसूख से आ जाते हैं, संबंध को निभाने के लिए आ जाते हैं। ये चीज बहुत लेकिन है व्यक्ति शब्द को से प्रेम करते हुए भाव को स्पर्श करते हुए जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, और ये हमारी कोशिश है कि व्यक्ति भाव तक कैसे पहुंचे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं भले ऑफिस में बैठा हूं या कहीं मोटिवेशनल स्पीच के लिए मुझे बुलाया जाए, मैं संवेदनाओं को सबसे पहले रखता हूं। अभी MBM यूनिवर्सिटी में हमारे इंडक्शन प्रोग्राम था, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स आए थे हमारे जयश्री वाजपेयी मैम ने कहा कि ये मेरे पास तो वित्त के लिए आते हैं लोग क्योंकि मैं वित्त नियंत्रक हूँ, मैडम आए कि हमें इसके लिए कुछ पैसा चाहिए। मैंने कहा मैडम 500 स्टूडेंट्स है, मैं इनसे बात करूंगा, एक सेशन मेरा रखिए आप जी, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि सर आप किस पे बोलेंगे, वित्त पे नियमों पे? मैं क्यों नहीं, मैं मानवीय मूल्यों पे बोलूंगा, क्या बात, मैं संवेदनाओं पे बात करूंगा। और सर एक घंटे तक मैंने उनसे स्टूडेंट से बात की, लोग बता रहे थे कि वास्तव में हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। नूतन अभिनव प्रयोग कर दिया इस प्रकार के प्रयोग रूखे सब्जेक्ट के अंदर भी। इंजीनियरिंग में ही आप मनुष्यता में ही कविता को ढाल लीजिए, आप इंजीनियर हो या IAS हो, जब आप IAS बनकर के कवि हो जाओगे तो आप जितेंद्र कुमार सोनी हो जाओगे, जब आप प्रधानमंत्री होकर के कवि हो जाओगे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी हो जाओगे, जब आप न्यायाधीश होकर के कवि हो जाओगे तो आप GK व्यास जी हो जाओगे या मुरलीधर जी वैष्णव हो जाओगे। समाज के हर स्तर पर कविता का, भाव का, शब्द का संस्थापन बहुत जरूरी है, स्थापित किया जाना पड़ता है। ये जो अभी आपने चर्चा भी की थी बहर मीटर छंद जी जी, ये क्या ट्रैक बैक नहीं करती हैं चीज़ें? हालांकि मैं क्योंकि ग्रामर की दृष्टि से आवश्यक है जी, होनी भी चाहिए जी, लेकिन कभी कभी हमारे भाव में ये चीज ऑब्स्टेकल के रूप में देखते हैं क्या आप? बहर मीटर मैं नहीं देखता सर, गजल की अपनी गरिमा है और हमारे शहर के शीन काफ निजाम साहब, हबीब कैफी साहब, इन लोगों ने गजल को जिस मुकाम तक पहुंचाया है ये तपस्या का विषय है जी। मैं अगर गजल लिखने बैठूंगा तो निश्चित तौर पे उन शब्दों को जमाने के फेर में मैं अपने भावों को तिरोहित कर लूंगा, खो दूंगा। लेकिन जो तपस्या करके उस स्तर तक पहुंच चुके हैं उनकी गजल बहर में भी होगी, मीटर में भी होगी और भाव से भी परिपूर्ण होगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि फकीर साधु एक तारे पर जब गाते हैं जी जी, तो उनका जो गीती तत्व है वो संगीत में ढल के हमें छू लेता है बिल्कुल। ये तपस्या की बात है, ये रियाज की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है, ये अभ्यास की बात है। और वाणी, होठ और कंठ और हृदय जब मिल जाते हैं, एक में हो जाते हैं, तो फिर ऐसी ही धुनें निकलती है जिसमें बहर अपने आप समाविष्ट हो जाती है। हमारे आसपास जैसे कवि लेखक जिन चीज़ों को, और आपने तो अपने एक उन्वान में भी कह दिया उदास का अर्थ है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास अंधकार, संघर्ष, चुनौतियाँ, ये शब्द नहीं है बल्कि वाकई हर आदमी किसी न किसी रूप में इससे जूझ रहा है। तो एक लेखक के बतौर, एक कवि के बतौर जी, आप क्या सरल उपाय देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? सर ये विकृतियां हैं निश्चित तौर पे, और भौतिकता का ग्राफ ज्यों ज्यों ऊपर उठ रहा है भावनाओं का ग्राफ उसी अनुपात में नीचे की ओर उन्मुख है। मैं इसका सरल सा समाधान एक ही देना चाहूंगा कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात बिठा दी जाए कि प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर वो प्रकृति से जुड़ जाएगा, सहजता से जुड़ जाएगा, मानवीयता से जुड़ जाएगा, सारी समस्याएं तिरोहित हो जाएगी। और इसके लिए केवल कहने से काम नहीं चलता, इस प्रकार के भावों की सुगंध को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। एक समस्या और आती है दशरथ जी जी, कि जैसे सपोज आपने कविता लिखी है जी, और उसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो जी, पहला चूंकि कविता गजल, उर्दू शायरी या और जो भी हो उसमें सब्जेक्ट में अगर आप पहले प्रेम की बात करते हैं तो माइंड में लोग सीमित कर देते हैं। अगर आप प्रेम की बात करेंगे तो वो उसके अर्थ उतने सीमित करेंगे कि ये दशरथ जी की अपनी कोई आत्मानुभूति है या अपना कोई अनुभव है, यहाँ तक सीमित कर देते हैं। जबकि ये ज़रूरी नहीं कि जो कवि लिख रहा है वो उसी की। सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के साथ आत्मीयता अगर माध्यम बनती है और वो पूरे सृष्टि के प्रति आत्मीय हो जाता है तो गलत क्या है?
हालांकि मैं मेरी कविताएं प्रेम पर खूब कविताएं हैं और मैं आपको आप कहेंगे आदेशित करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जब मैं प्रेम से शुरू करता हूं तो मैं कहां तक पहुंचता हूं, प्रकृति से कैसे जुड़ता हूं, हृदय से कैसे जुड़ता हूं और इस संपूर्ण सृष्टि से कैसे जुड़ता हूं। तो इसके दोनों आयाम है कि अंततः व्यक्ति प्रेम से भर जाए, वाह, एक व्यक्ति ही माध्यम बने या पूरी कायनात उसका माध्यम बने। और वो दिख रहा है कि जब तुलसी गोस्वामी जी को रत्नावली ने उलाना दिया जी, और वो उलाना रामचरितमानस तक पहुंचा और कितनी रचनाएं। हालांकि जबकि तुलसी ने स्वांते सुखाए कहा है कविता को, जबकि कहीं भी वो स्वांते सुखाए लगते नहीं, उनके भीतर कितना गहरा, उस गहराई की चर्चा करने का हमारा तो मादा ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। वो चर्चा करने के बाद जब बात बाहर आई है उसके बाद उस कवि का सुख देखिए आप जी। जैसे मुझे अभी ये सम्मान मिला अभी कुछ दिनों पहले जी, वो बिल्कुल एक इसका रेखांकन जरूर है जिससे व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ मैंने शब्द लिखे, इसको रेखांकित किया गया, पर अंततः उन शब्दों को जीना जरूरी है जी, वो बात बहुत जरूरी है। चलिए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं हितेंद्र गोयल साहब, यहाँ प्रोफेसर हितेंद्र गोयल ड्रामा विभाग के अध्यक्ष हैं हमारी यूनिवर्सिटी में और लेखक भी हैं, कवि भी हैं। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। जोधपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी में बहुत सारे लोग साहित्य सृजन करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, और जिनकी सोहबत में बैठकर हम साहित्यकार लिखना, पढ़ना और कहना और सुनना सीखते हैं। दशरथ कुमार सोलंकी एमबीएम विश्वविद्यालय में वित्तीय सलाहकार ही नहीं है, बल्कि सुकून के पलों में जब कभी उनके पास लेजर टाइम होता है तो उस टाइम में वो साहित्य सृजन करते हैं, रचना का काम करते हैं। उनकी हाल ही में प्रकाशित कुछ पुस्तकों को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये व्यक्ति अनुभूतियों को जीता है, भावों को संप्रेषित करता है और मस्तिष्क के पुरानी बैठी हुई यादों को वो लिपिबद्ध करते हुए कविताओं में अपने आप को उजागर करता है। गांव में बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति, वो चौपाल, माँ, दोस्त, खेत खलियान, गांव के सारे खेल और तमाम वो चीजें जो स्कूल में पढ़ी लिखी समझी, संस्कार मूल्य और आध्यात्मिकता, ये तमाम चीजें दशरथ कुमार सोलंकी की कविताओं में अभिव्यक्त होती हैं। उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक उजास के अर्थ, व्हाट अ बुक, व्हाट अ वंडरफुल बुक दैट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट्स द इमोशंस दैट आर ब्लेंडेड विद ग्रेट आर्टिस्टिक फर्वर एंड एंथुजियाज्म। आई कॉन्ग्रेचुलेट, पूरे दिल से मैं बधाई देता हूं दशरथ कुमार जी सोलंकी को कि वो जोधपुर के साहित्यिक हलके में अपना एक अलग पहचान, अपनी एक अलग शख्सियत को स्थापित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जोधपुर की सांस्कृतिक नगरी और यहाँ के साहित्यिक माहौल का ही कारनामा है कि यहाँ जो कोई भी आता है अगर उसमें संजीदगी है तो वो एक अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा रचनाकार भी बन जाता है। एक बार फिर से दशरथ कुमार सोलंकी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आपने कविताओं पे तो अभी और आपकी बात करनी जी, है जी, लेकिन कविताओं के अलावा किस किस विधा में आपका रचना कर्म चल रहा है, चला है? जी 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 सर, मेरी अगली पुस्तक जो है, मेरे अभी तक तो 3 काव्य संग्रह आए हैं जैसे मैंने निवेदित किया, अब मैं भाव आलेख मेरे तैयार है और उसकी पुस्तक जल्दी ही 2022 तो अब थोड़ा सा खुलासा करेंगे, भाव आलेख के मायने क्या है और क्या उसका जी, 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 ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर घटना को लेकर के अपने अंतस की यात्रा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं रोज सुबह सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, प्रातः भ्रमण पर जाता हूँ, कनेर एक घर के बाहर खड़ी थी, मैं एक पुष्प जोर रोज तोड़ता था, घर आता था नहा धो करके, उसको जब भी सूरज भगवान को अर्घ देता था तो उसमें वो पुष्प डालता था। कनेर तो है पूजा के लिए जी, और एक दिन मैं वहां जाता हूँ, ये बार बार ऐसा हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि
कनेर की शाख पर जब पुष्प टूटता है वाह, तो मेरे हृदय में भी कुछ टूट रहा है वाह, खट की आवाज वहां भी हो रही है वाह। और एक दिन मैं कनेर के पास जाता हूँ और ज्यों ही पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, कोई मुझे अनायास कर रोक देता है और मैं अपना हाथ पीछे ले लेता हूँ, पुष्प को नहीं तोड़ता। मेरे मन में भाव आते हैं कि मैं सूरज भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी प्रसन्नता के बारे में मैं नहीं जानता कि वो प्रसन्न हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, केवल जल से भी तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे होते हैं, लेकिन मैं एक पेड़ को, उसकी शाख को, उसके पुष्प को उसके तन से जुदा कर रहा हूँ। वाह, ये संवेदनशील, ये संवेदना जिस दिन मेरे मन में जागी, मैंने उस पुष्प को तोड़ना बंद कर दिया और अब जब भी मैं प्रातः भ्रमण को निकलता हूँ, कनेर फूलों से लकदक दिखती है और मैं प्रेम से भर जाता हूँ। तो प्रेम से, प्रेम से आप भर जाते हैं, तो वो एक कविता का जो चर्चा आपने की थी जरूर सुनाइए। हाँ जी, प्रेम के पते पर पत्र, इस विषय पर मैंने कुछ छोटी छोटी रचनाएं, 5-6 रचनाएं लिखी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। कि प्रेम का जब पत्र लिखो, पता मत लिखो उस पर, क्या बात है, प्रेम अपना पता जानता है, वाह, पहुंच ही जाएगा सही, क्या बात है, कितना नया विषय, गहरी अनुभूति। इसकी अगला जो है वो देखें रचना, आपके कोई पता नहीं होता प्रेम का, वाह, यूं हर पता प्रेम का पता है, वाह, भावों का चयन यदि समीचीन है, प्रेम दस्तक देगा हर उस जगह पर जहाँ आत्मा के दरवाजे खुले मिलेंगे जी। बताओ हवा का पता क्या है, या जल या अगन का पता, लिख सकते हो धरा गगन का पता, क्या बात, नहीं ना, बस प्रेम भी ऐसा ही है, पता नहीं कोई उसका, पर व्याप्त सर्वत्र हर तत्व प्रेम का तत्व है, हर कण है प्रेम का पता। वाह, क्या बात है। इस श्रृंखला की एक और रचना मैं आपके सामने रखता हूँ कि आकाश खूब जानता है प्रेम का पता, आकाश खूब जानता है प्रेम का पता, धरा पर रहता आच्छादित और समय समय पर नहलाता है उसे प्रेम वृष्टि। क्या बात है, और इतने मायने इसको फैला दिया है जी, और धरती को देखिए वो भी कैसे प्रेम को वापस ज्ञापित करती है, और उगाकर पेड़ पौधे धरा भी करती नभ को प्रेम ज्ञापित, तरल होता है प्रेम, आकाश जानता है, धरती जानती है, हरा होता है प्रेम, क्या बात तो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। दशरथ जी, आप अपने ऊपर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हर फील्ड में, चाहे वो कवि है, लेखक है, कलाकार है जी, म्यूजिक में है, किसी में भी है, किसी न किसी व्यक्तित्व का उस पर प्रभाव होता है जी। भले जरूरी नहीं है कि उसका अनुसरण लेखन में या आप कर रहे हों, लेकिन फिर भी हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका किन व्यक्तित्व पर ज़्यादा प्रभाव रहा है। सर, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई प्रभाव नहीं है, मैं पढ़ता सबको हूँ जी, विषय मेरे बिल्कुल मौलिक होते हैं और लिखता भी मैं अपनी मौलिकता के साथ हूँ, और निश्चित तौर पर प्रभाव रहता है, पर मुझे, मैं इस सृष्टि से ही भावों को ग्रहण करता हूँ, शब्दों को ग्रहण करता हूँ। वाह, क्या बात है। दशरथ जी, कभी कभी क्या व्यक्ति जब एस्टेब्लिश्ड हो जाता है अपने क्षेत्र में, लेखन में, एज ए पोइट, तो उसका मूल्यांकन कुछ और दृष्टि से किया जाता है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, मैं ये मानता हूँ कि मूल्यांकन के कई सारे आयाम होते हैं। आपने एक शब्द काम में लिया था, रसूखात, तो इससे भी मूल्यांकन कई बार हो जाता है जी, लेकिन कवि जानता है, लेखक जानता है कि उसके शब्दों का जिस प्रकार से मूल्यांकन किया गया है, क्या वह उचित है या अनुचित है, या उचित है तो किस स्तर तक उचित है, ये लेखक बड़ी शिद्दत से जानता है, बड़े अच्छे से जानता है, इसलिए मूल्यांकन किस प्रकार से हो रहा है इसको। लेकिन वो मूल्यांकन कभी कभी एक टीस भी पहुंचाता है जी, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे हैं उसका मूल्यांकन उस तरह से हो नहीं पाता जी जी, क्योंकि या तो मूल्यांकन करने वाले ज्यादातर आत्ममुग्ध भी हो गए या उनके ऊपर विद्वता का ज्यादा, वो अपने विद्वता के उसमें इतना खो गए कि उनको सब सामने वाला जो है, ये एक वस्तु स्थिति है, बिल्कुल तथ्य है सर, तथ्य है। तो एक परिस्थिति आजकल थोड़ा लेखन में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो अवसर जरूर देती है जी, और बहुत अच्छा मंच भी है जी, और उसका उपयोग होना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन
आप क्या सोचते हैं, वो ट्रैक बैक भी कर रहा है जी, क्योंकि हम अगर अपने पुराने देखें जैसे उर्दू में जॉन एलिया है जी, हिंदी में नागार्जुन है, वो तो निराला पे जो उनका व्यक्तित्व वर्णन उन्होंने किया कि बाल जबरे फटी लूंगी और अंतर दीप्त मन, चाहे उनकी मृत्यु के बाद कर लो 100 हवन उससे क्या होगा, क्या इस तरह से नागार्जुन ने किया। और जॉन एलिया भी जो है वो इस तरह की बहुत बातें कर जी जी। एक बेसिक, हालांकि क्वेश्चन मेरा थोड़ा जी लंबा जी हो रहा है, एक हमारे आसपास जो चीजें हैं उनमें हम देखते हैं सोशल मीडिया के कारण हम भरते नहीं हैं, पूरा भरते नहीं हैं और उंडेल ज़्यादा देते हैं, जबकि आपने तो जो इसमें लिखा है वो पूरा एक भराव लग रहा जी है जी। आपने उंडेला नहीं है, वो अपना आप छलका जी है जी। ये जो स्थितियाँ हैं सोशल मीडिया के, कुछ एडवांटेज है तो कुछ उसके अवगुण भी है जी। कई विद्वानों के साथ, विदुषियों के साथ मेरा परिचय हुआ जी, तो उसका माध्यम काव्य था और उसका जो प्लेटफॉर्म था वो सोशल मीडिया था। निश्चित तौर पे कई लोगों से मेरा इस पे मिलना हुआ और उनसे प्रेरणा भी पाता हूँ। मैंने अभी भाव आलेख की बात की, एक भाव आलेख को बड़े लेखक महोदय ने मुझसे इनबॉक्स में संपर्क करके कहा कि आप इस आलेख को विस्तारित करके मुझे भेजिए और एक अच्छी पत्रिका में उसको स्थान दिया। आदरणीय राजेंद्र बोरा जी ने जिस भाव आलेख का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, कनेर के पुष्प का, उसको मुझसे पूछ करके सोशल मीडिया से लिया और एक अच्छी पत्रिका में उस भाव आलेख को स्थान दिया। तो सोशल मीडिया के ये फायदे भी है कि आप अच्छे अच्छे लोगों से किस प्रकार कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन ये भौतिकता की अंधी दौड़ में और चूंकि प्रकाशन के एक बिल्कुल सामने आपके माध्यम है तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अपने आप को प्रकाशित कर लूं, अपनी रचना को प्रकाशित कर लूं और जितना भी आया है दिमाग में या शब्द के रूप में उतरा है सबको उड़ेल दूं, ये इसकी सीमाएं हैं। इन सीमाओं से हमें आगे देखिए, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं श्री आनंद जी जोशी हैं, कला मर्मज्ञ हैं और यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में भी हैं, तो विधिवेता भी हैं और कला मर्मज्ञ भी हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रगुजार हूँ मैं उस परमपिता परमेश्वर का जिनके आशीर्वाद से इस धरा पर मुझे बहुत से अच्छे लोगों से मिलना हुआ। उनमें से एक नाम है श्रीमान दशरथ कुमार सोलंकी। दशरथ जी से मेरा मिलना इसी आवासीय पटल से हुआ। साहित्य काव्य लेखन में आपकी रुचि थी, आपके और आपकी लेखनी को मैं हमेशा पढ़ता रहता था और एक एक आवासीय जो रिश्ता है वो आपसे हो गया था। मैसेज से आपकी बात होती थी और मन में हमेशा एक विचार रहता था कि इस बंदे से कभी न कभी इस धरा पर जरूर जरूर मिलूंगा। मैं उसकी उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद ही मानता हूं कि जिस न्यायालय में मैं कार्यरत था वहीं पर आप पहली बार कोषालय झालोर से स्थानांतरित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आप वित्तीय सलाहकार के रूप में पधारे और जो मुझे पहली बार मालूम चला कि श्रीमान दशरथ जी यहां पर आ चुके हैं तो मिलकर बहुत खुशी हुई। और जब मैंने उनको रूबरू जाना, उनके मन को जाना, तो ऐसा लगा कि ये बंदे में है दम। व्यक्ति के संस्कार ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, तो शायद आपके संस्कार बहुत अच्छे रहे होंगे। माता पिता का आपका आप पर आशीर्वाद था। आपने आज तक अनुभूति की, आदमी का भरे नहीं पानी, उजास आदि अनेक रचनाएं लिखी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जब आपने सेवाएं दी थी तो काफी समय तक हमने मिलकर काम भी किया था। धर्म पथ पर भी हम चले थे, प्रकृति से रूबरू भी हुए थे। लेखा कार्य और लेखनी मैं बहुत दिन रात का फर्क होता है, परंतु आपने वो सामंजस्य बनाए रखा तो मैं दशरथ जी का वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब आगे बढ़े। जमीन से आप जुड़े हुए हैं और आप अपनी लेखनी से औरों को भी जोड़े, वो ऊपर जरूर देखे।
परंतु ईश्वरवत का आशीर्वाद लेने की बाबत ही देखे। तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। थैंक यू सर। कविता का जो प्रभाव है जो हमारे दूसरे लेखन है उससे तात्कालिक प्रभाव कविता ज्यादा डालती है जी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बात हम बड़े बड़े महाकाव्य महाग्रंथों में नहीं कह पाते एक चार लाइन की पंक्ति भी उसको कह देती है जी। तो ये जो लेखन विधा है उसमें आप कहाँ कविता या उसका कोई आपकी दृष्टि में इस बात पे आप क्या बिल्कुल सही कहते हैं सर। लेख जब चार पांच पृष्ठ भर जाते हैं या कहानी में सात आठ पृष्ठ भर जाते हैं उसके बाद अपन अपनी बात को कह पाते हैं। कविता चार पंक्तियों में या दस पंक्तियों में या कोई लंबी कविता हो तो बीस पच्चीस पंक्तियों में अपनी पूरी बात को कह जाती है। और सबसे बड़ी बात जो शीनकाफ निजाम साहब और बड़े जो है कविता के मर्मज्ञ कहते हैं कि कविता इशारों का आर्ट है। शायरी भी इशारे का आर्ट है और कविता भी इशारे का आर्ट है। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि कविता जो कहती है उससे अधिक अनकहा छोड़ती है जिसको पाठक अपने हृदय में स्वतः ही अनुभूत करने लगता है और उन चीजों को पढ़ने लगता है जो उसमें नहीं कहा हुआ है। क्या बात। और वो पढ़ना ही वस्तुतः कविता है। वो खाली स्थान जो उसके उनके बीच में पंक्तियों के बीच में शब्दों के बीच में अक्षरों के बीच में रह जाता है वो वास्तविक कविता है जो कवि कहना चाहता है। और वो पाठक तक पहुंचे तो कविता निश्चित तौर पे उसके हृदय तक पहुंचेगी। दर्शक जी जैसा कि आपके तो कम से कम चार पांच प्रकाशन हो चुके हैं पुस्तकों के, एक जो चीज हम देखते हैं कि पुस्तकों के प्रति या पत्र पत्रिकाओं के प्रति, चलिए समाचार पत्र तो एक रूटीन की चीज़ है और अपने अपने हिसाब से लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक जो आकर्षण पहले था हमारे यहाँ पत्रिकाएं भी नियमित तौर पे घर का एक हिस्सा हुआ करती थी, और लेकिन जो पुस्तकें बाजार में पुस्तकों का ढेर लगता जा रहा है जो पाठक वर्ग है कम होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है या होता जा रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उसके मूल्य ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे दूसरे बजट पे भी तो हम एक पिज्जा और बर्गर पे ज़्यादा बजट डालते हैं, वो किताब उससे कम मूल्य की है, लेकिन ये एक समस्या तो है जी। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिल्कुल आर्थिक जो आप कह रहे हैं मूल्य का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। अपन बाजार में जाकर के 500 रुपए यूं खर्च के आ जाते हैं और 200-250 में बहुत अच्छी पुस्तक ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत ये चीजें भौतिकता का ग्राफ जो बढ़ रहा है उसका एक वो अवगुण रीडिंग हैबिट भी कम रीडिंग हैबिट कम होती जा रही है, लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। मैं MBM यूनिवर्सिटी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ है तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के सामने कविता की बात करता हूँ, वो कहते हैं सर हमें किताब उपलब्ध कराइए। जब उनमें कविता के प्रति लगाव उत्पन्न हो सकता है, अभी जो पुरस्कार हुआ था उसके बाद 8-10 प्रोफेसर जो हमारे शिक्षाविद गण है जो आए मेरे चैम्बर में आए सम्मान के लिए, मैंने उन्होंने उन्होंने आग्रह करके मेरी कविताओं को सुना और वो उन कविताओं से अभिभूत हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर है या डॉक्टर है तो वो कविताओं से दूर है। आपने जो कविता को जी रहा है जो कविता को लिख रहा है उसने अपना दायित्व कितनी शिद्दत से निभाया, उसने कविता को कितने लोगों तक कितने लोगों के हृदय तक पहुंचाया ये बड़ी बात है जी। और जब वो मैं अगर 10 लोगों तक कविता को पहुंचा पाता हूं पुस्तकों के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज है मेरे पास, वहां की लाइब्रेरी में कुछ किताबें मेरी आई और भी लेखकों की मैं किताबें सजेस्ट करता हूं कि वो लाइए। मैंने कहा केवल आयुर्वेद और केवल इंजीनियरिंग पढ़ने से पूर्ण मनुष्य नहीं बन पाएगा, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आपको शब्द का भाव का साथ जरूरी है और इसके लिए पुस्तक ही सबसे बड़ा सहारा है। आपका हर जवाब जो है वो संकलन के योग्य है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। फिर भी हम चाहेंगे कि ओवरऑल एक मैसेज वो लोग जो नए नए कविता लिख रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी जी, ऐसे मैं सबको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई युवा पीढ़ी के लोग मेरे से सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, यूँ भी बात करते हैं। बस ये है कि अपन अध्ययन को अपना
विस्तृत बनाए, उसका फलक विस्तृत करें, उससे हमारी शब्द शक्ति बढ़ेगी और भाव अपने अंदर आ रहे हैं उनको वास्तविक रूप से प्रकट करने की क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। जितना अध्ययन विशाल होगा उसके बाद आप इस प्रकृति को निहारने की, इस सृष्टि को देखने की, हर काम को काव्य की भाषा में देखने की और अपने जीवन को ही काव्य में ढाल देने की प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छी कविता कर पाएंगे, आप अच्छे लेख लिख पाएंगे, आप अच्छे पत्र लिख पाएंगे और आपका साहित्य बहुत ही विशद होगा, सुंदर होगा। तो मैं तो यही कहूंगा आपके लिए कि जाने कैसी उंगलियां हैं, जाने क्या अंदाज है, क्या बात है? तुमने पत्तों को छुआ था, जड़ तक हिलाकर फेंक दी। क्या बात है? तो आप दशरथ जी, आपने हमारे राइजिंग सिटी में आके और इस प्रोग्राम का गौरव बढ़ाया और हम अपने राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, अपने 24 न्यूज चैनल की तरफ से ये दुआ करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की के और ऊंचाइयों पर पहुंचें। आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सिंगल साहब, इस कार्यक्रम में आकर के मेरा भी गौरव बढ़ा है। राइजिंग सिटी जैसा कि नाम आपने इस कार्यक्रम को दिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को एक छोटे से भानु के तौर पे, भास्कर के तौर पे उदित होते हुए देख रहा हूँ और भविष्य में इसका उजास कई अर्थों में इस सृष्टि में व्याप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मान स्वागत, आओ सपधारो 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 सा घने मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।